सबका भला किए जा, सबका भला किए जा, सबका भला। तू मुसाफिर है, दुनिया है मुसाफिर खाना। तू मुसाफिर है, दुनिया है मुसाफिर खाना। यहाँ दिन रात लगा रहता है आना जाना। यहाँ दिन रात लगा रहता है आना जाना। एक ने आके बसेरा लिया और एक चला। एक ने आके बसेरा लिया और एक चला। किए जा सबका भला, किए जा सबका भला, किए जा सबका भला। साँझ दम भर में जीवन का सवेरा होगा। साँझ दम भर में जीवन का सवेरा होगा। यही कहता है उजाला कि अंधेरा होगा। यही कहता है उजाला कि अंधेरा होगा। बस चला देख कोई आन में सूरज ये ढला। बस चला देख कोई आन में सूरज ये ढला। किए जा सबका भला, किए जा सबका भला, किए जा सबका भला। सज्जनों, आज 15 बरस से मैं सभा की सेवा कर रहा हूं। हर महीने आप लोगों के जीवन सुधार की कोशिश करता हूं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बरस की मेहनत और व्याख्यान का नतीजा कुछ न निकला। रामायण, महाभारत, गीता और वेद सब खत्म कर दिए। बड़े बड़े महामुनि और महर्षियों की कहानियां सुनाई, लेकिन ये सब बातें बेकार साबित हुई।
आज मैं देखता हूं कि इस बस्ती में दिन पर दिन बरसात की चढ़ती हुई नदी की चाल से पाप बढ़ते चले आ रहे हैं। दान पुण्य बिल्कुल बंद हैं, हर जगह धन देवता का राज है। भूखे गरीबों और दुखियों का सुनने वाला कोई नहीं। मित्रों, सच मानो, इस बस्ती के धरती और आकाश इससे ज्यादा पाप सहन नहीं कर सकते। कन्याओं और विधवाओं के दोष रंग लाने वाले हैं। मित्रों, शर्म करो, डूब मरो। धरती को माता कहते हो और माता की गोद में बैठ के ऐसे कठोर पाप भी करते हो। संसारी हो, संभलो, सुधर जाओ। माता को शर्म आने वाली है और वो समय बिल्कुल करीब आ गया है कि वो अपने निर्लज पुत्रों को हमेशा के लिए अपनी छाती में छिपा ले। संभलो, संभलो, शायद अब भी कुछ समय बाकी रह गया हो। बच्चा, आज तुम शास्त्री जी के उपदेश सुनने गए थे? हाँ बाबा, गया था। शास्त्री जी बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं। बच्चा, शहर की आनंद भवन ज्ञानियों के स्थान नहीं। बाबा। हाँ बच्चा, ये नगरी रहने वाली नहीं रही। चलो किसी दूसरी जगह जाके बसेरा करेंगे। बाबा। हाँ बच्चा, ईश्वर ने आज इस मूर्ख की जबान से सच्ची बात कहला दी। आज रात को माता अपने पुत्रों को छाती में छुपा लेने वाली है। चलो। Hey,
धन्य हो भगवान। जिस बाग में थी हरियाली है आज वहाँ पामाली। जिस बाग में थी हरियाली है आज वहाँ पामाली। मुदा पे रोता माली, मुदा पे रोता माली। अच्छा जरा इसको लो, इसको लो, जरा इसको लो, मैं भी दिखाता हूँ। दे दो मुझे मेरी बहन, दे दो मुझे मेरी बहन, दे दो। आपको पागल खाने भेज दो, मगर मेरी बहन मेरे साथ वहां भी आएगी। दे दो दे दो, तुम लोग मेरी बहन की इबादत नहीं कर सकते, तो मेरे बगैर मर जाएगी। क्या करो, मुझे मेरी बहन दे दो, दे दो मुझे मेरी बहन। भगवान, दुनिया में गुनाह कौन नहीं करता, इसने नहीं किया और कौन नहीं करेगा। लेकिन जो दयालु है भगवान, हमारे गुनाहों को क्यों देखता है, अपनी दया को देख। इंसान इंसान अगर गुनाह करता है तो तेरा काम सजा देना नहीं, चाहिए दया करना, ताकि वो खुश शर्मिंदा होकर गुनाह की राह को छोड़ दे। भगवान जमादार साहब, मेरी बहन कैसी है, कहाँ है, तुम बता सकते हो? पड़ोसी होगी से कौन बहलाता होगा, उसको दूध मिलता है या नहीं, जमादार साहब बता दो। इतना लंबा चौड़ा आदमी और इस बहन के लिए रो रहा है, तो भगवान से माफी मांग रहा था। क्यों? दलदला जिस दिन आया था उस दिन मेरे मन में भगवान के लिए कुछ ऐसी वैसी बातें आ गई थी कि वो मुझ पर नाराज हो गए, और शायद इसी वजह से उन्होंने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। अरे दीवाना, वो तो यहाँ के आश्रम में है, बहुत अच्छी तरह से है। उसको दूध कैसे पिलाते हैं? दिन में तीन मर्तबा। जमादार साहब, जमादार साहब, जमादार साहब, आपको मालूम है मेरी बहन कैसी है, उसको दूध तो बाकायदा मिलता है ना। अरे 15 दिन से रोज 500 मर्तबा पूछता है, मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन कैसी है। मेरी बहन को हुआ ही क्या है? बिल्कुल ठीक है, जा अपना काम कर। जमादार साहब, मेरी बहन कैसी है? मर गई तेरी बहन। मर गई मेरी बहन? मेरी बहन मर गई। लेकिन साहब, उसने मुझसे क्यों कहा कि तेरी बहन मर गई?
लेकिन तुम जानते हो जेल तोड़कर भागना कैसा जुर्म है। साहब तुम तो अजीब बात करते हो। तुम्हें अगर कोई आन की खबर दे कि तुम्हारी बहन मर गई तो तुम ऐसा नहीं करोगे? अच्छा अच्छा हमारे साथ चलो, बातों से बच्चों की नींद खराब हो। चलो मैं तो अपनी बहन को देखने आया था, भगवान की दया से जमादार की बात झूठ निकली और मैं तो खुद चला आता। तुम लोगों को मेरे पीछे आने की जरूरत क्या थी? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, मुजरिम थोड़ी हूँ जो मैं भाग जाता। लाओ बच्ची को मुझे दे दो। लेकिन साहब इनको बोलो कि हमारी बहन को देखो 3 टाइम दूध मिलना ही चाहिए। हाँ मिले। और माँ जी ये तुम्हारी जितनी औरतें हैं ना सब की सब नमक हराम है, कोई किसी काम के काबिल नहीं है, सब कड़वी सोती रहती हैं। माँ जी ये सब कड़वी सोती रहती है। मैं तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सच है, सब कड़वी सोती रहती है। मेरी जगह कोई चोर आता, मेरी जगह कोई चोर आता और लेके निकल जाता तो फिर क्या होता। कैद की मुद्दत पूरी हो गई। थोड़े दिनों की बेकारी और परेशानी के बाद आखिर को एक लोहे के कारखाने में नौकरी मिल गई। हमारी बीना पढ़ेगी लिखेगी बड़ी होगी, फिर हम उसकी बड़ी धूम से शादी करेंगे। नहीं, हम तुम्हारी शादी करेंगे। अच्छा हमारी शादी किसके साथ होगी? मेरे साथ। हम तेरे साथ शादी नहीं करेंगे, तू बड़ी गंदी छोकरी है। हम तो उसके साथ शादी करेंगे जो बहुत अच्छा होगा। अच्छा बीना बताओ तो बहुत अच्छा कौन है? बताऊं? मेरे भैया। चल चौकसी कहीं की। चंपा भैया। हाँ बीना 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 बीना। चंपा मैंने तुझे कई बार मना किया है कि तू रोज रोज ये ना किया कर, मेरा जी चाहता है मैं खुद इसका मुंह हाथ धुलाया करूं। लेकिन आप थके मांदे आते हैं। थके मांदे क्यों आते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं अपने हाथ से। भैया मुझे लड्डू ला दो। लड्डू ला देंगे, बेटी को खिलौने भी ला देंगे, जो मांगेगी वो भी ला देंगे। भैया चंपा कहती है तेरे भैया बहुत अच्छे हैं। है?
यहाँ बैठ, थोड़ी देर पढ़ ले, मैं अभी तेरी किताब लाया। नहीं भैया, मुझे तो नींद आई है। वाह, नींद कैसी आई है? इतनी देर घुमाया फिर आया, इतनी सारी चीजें दिला दी, अब तो थोड़ी देर पढ़ भी तो लेना। हमारी बीना तो सबसे ज्यादा पढ़ती है, हमारी बीना इतनी अच्छी बच्ची है कि रोज का सबक सुना देती है। शाबाश भाई शाबाश, हमारी बीना किसी से बुरी थोड़ी बच्ची, बड़ा अच्छा काम करती है, सबसे ज्यादा काम करती है, फिर खूब पढ़ती है। क्यों बीना, कल का सबक सुनाना, क्या है कल का सबक? वाह भाई वाह। तो आते ही होंगे। मैंने सुना है आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। कौन कहता है? और मैंने ये भी सुना है कि आप मुझसे नाराज हैं। इससे नाराज होने की वजह? बीना का मुँह हाथ धुला देती हूँ, और आप खुद ही तो कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं इसे कल से अपने साथ ले जाऊंगा। ये मासूम वहाँ क्या करेगी? तेरे कहने पर यहाँ मैं इसे कुछ दिन से छोड़ जाता हूँ, लेकिन तूने इसको बहुत सी बुरी बुरी बातें सिखा दी। मैंने? हाँ हाँ, चलो उठो, जा तू भी जाके सो। लेकिन मेरा कसूर तो बताइए। कसूर तो बताइए, तूने इससे कहा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। क्यों कहा? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ? और ये क्यों मालूम हुआ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ? आप फिर नाराज हो रहे हैं। देख चंपा, मैं कुछ से देख रहा हूँ तू मेरी तरफ तकती रहती है, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या वजह है? कौन कैसे मेरे मुंह में सुखाब के पर लगे? और ना बोल, अब खामोश क्यों हो गई? माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नुकसान पहुंचा कर ये कह देना माफ कर दीजिए, क्या मुश्किल है? आप सब कहते हैं। इस रोने का क्या मतलब है? और तुझे मेरे लिए रोने का क्या हक है? मैं बहुत अच्छा हूं, तू मुझसे मोहब्बत करती है, जवाब देना, ये क्या तमाशा है? तेरे रोने से मैं क्या समझू? मुमकिन है तुझे कोई दुख इसलिए तू रो रही है, मुमकिन है तुझे गरीबी परेशान करती है। ये जरूरी क्यों नहीं कि मेरी मोहब्बत तुझे परेशान करती? मोहब्बत है तो कह डालना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती। बोलना, जवाब नहीं देगी, बोलना। अच्छा, मेरे इस हाथ को छू ले, जो तू छू लेगी तो मैं समझूंगा तू मुझसे मोहब्बत करती, और जो नहीं छूएगी तो मैं समझूंगा तू पागल है इसलिए तू रोती है। जाओ, चली चली जाओ, चली जाओ, जाओ। तुम किसे डांट रहे थे? किसी को नहीं, किसी को नहीं। बताओ तो। अभी अभी जूजू आया, वो कहता था तुम बीना को छोड़ के मेरे साथ चलो, मैं उसी को डांट रहा था। भैया, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, अब जूजू नहीं आएगा। अब तुम सो, आराम करो, आराम करो, तुम तो बड़े अच्छे लोग। नहीं भैया, अब जूजू कभी भी नहीं आएगा, अब जूजू कभी भी नहीं आएगा। मैं बाजा बजाता हूँ, जाता हूँ जूजू कभी नहीं। मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही हो सकता है। बीना से बढ़कर तेरी मोहब्बत का अवतार और कौन है? तूने उसे पाला पोसा, तेरे सिवाय इसका दुनिया में कोई नहीं। तू अगर चंपा से मोहब्बत करने लगा तो मुमकिन है बीना की जिंदगी पर इसका असर पड़े और तू रफ्तार रफ्तार उसको भूल जाए। क्या ऐसा करना तुझको मुनासिब है? लेकिन यकायक मेरे सीने में ये तूफान जो उठने लगा कैसे समेगा? इस तूफान का रोकना तेरे इख्तियार में, फौरन ये शहर छोड़ दे और कहीं चला जा, ताकि चंपा तुझको और तू चंपा को कभी न देख सके। जा, भूला तो एक दिन तुझको बीना को भूलना पड़ेगा। खामोश। भैया, भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? कहीं और। चंपा भी यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं नहीं, चंपा हम हमारे साथ नहीं जाएगी। कब आएंगे? कभी भी नहीं। चंपा ना होगी तो मुझे कपड़े कौन पहनाएगा? मैं खुद पहनाऊंगा, मैं खुद पहनाऊंगा। चलो तुम मेरे कंधे रह जाओ। जी,
हमें जरा मालिक से मिलना है। क्या है? कुछ काम। क्या काम है? अरे बाबा हमें कुछ काम है तभी तो हम इधर आया, वरना हम क्यों आता। जाओ। मुझे तो इस कंपनी के मैनेजर साहब से मिलना है। ये क्या है? मगर वहां तो एक मेम साहब बैठी है। यही इस कंपनी के मैनेजर और मालिक सब कुछ। भैया बिल्कुल चंपा जैसी सूरत। अरे चुप हो जाना, इस सब तो क्यों बोली जाती है? मार्केट पाएगी क्या? कौन है? मालूम नहीं, आपसे मिलना चाहता है। बोलो। आपको अंदर बुला रहे हैं। नमस्ते। अरे तू भी तो नमस्ते। आप क्या चाहते हैं? आपके पास आया हूं। और ये बच्चे आपके कौन है? ये मेरी बहन है। आप बंबई के रहने वाले तो मालूम नहीं होते। जी हाँ, मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ। जहाँ जलजला आया था? जी हाँ, जलजला आया था। हमारा सारा मकान गिर पड़ा। उसी दिन हमारी माँ जी पिताजी दोनों कहीं चले गए। मैं भैया के साथ दूर दूर ढूंढने गई, कहीं नहीं। अरे तो तुम फिक्र क्यों करती हो? भैया तो है तुम्हारे। जी हाँ भैया, बातें भी बिल्कुल चंपा जैसी है। चुप हो जाना। साहब माफ करिएगा, आपका बहुत कीमती वक्त खराब हो रहा है। मैंने तकलीफ आपको सिर्फ इसलिए दी कि दो चार दिन हुए मैंने अखबार में आपके फर्म की तरफ से कुछ देखा था। मैंने सोचा किस्मत आजमाऊं, शायद आप मेरी तरफ तवज्जो करें। जी हाँ, जगह तो अभी तक खाली है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी तालीम कहाँ तक है? मेरी तालीम? मैं मैट्रिक फेल हूँ। है? मैट्रिक फेल? जी हाँ, जी हाँ। क्या है? हुजूर ये नौकरी की एप्लीकेशंस हैं। कह दो जगह भर गई। अरे साहब अगर जगह भर गई थी तो पहले से क्यों नहीं कहा? अपना भी वक्त खराब किया और हमारा भी। हाँ हाँ सुनिए तो, जगह आप ही ने भरी है। यानी 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 कि आपने मुझे नौकर रख लिया? जी हाँ। हाँ हाँ नन्ही, अरे नन्ही हम नौकर हो गए। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? ए कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूं। अंदर कोई नहीं है। आप जानते हैं कि मैं नौकर हो गया हूं। अरे साहब देखिए, ये कोई शराफत है कि? अंदर आओ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मुझे कहां बैठना है, मेरा क्या काम है। आपने कहा था ना कि मैं कल को बता दूंगी। आप आज से मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और वो आपकी टेबल है। यानी कि मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, इसी कमरे में? जी हाँ। क्यों, कोई हर्ज है क्या? नहीं नहीं कोई हर्ज नहीं। और हम कहाँ बैठेंगे? तुम तुम्हारी भी जगह बता देंगे। आओ। भैया जरा हमें दो पैसे की अंग्रेजी मिठाई ला दो। वाह बिटिया, यहाँ नौकरी पे को बैठी? हाँ, दौड़ के ला दो जब तक हम यहाँ बैठे हैं। यूँ नहीं हो सकत। देखो भैया, नहीं ला दोगे तो मैं तुम्हारी बाई साहब से कह दूंगी कि ये काम काज कुछ नहीं करते, दिन भर बैठे बैठे बीड़ी पिया करते हैं। जानते हैं ना, वो मेरी बड़ी दोस्त है। नहीं नहीं नाराज न हो, मैं अभी ला ही देता हूँ। लाओ भैया वो वाली लाना, लाल लाल हरी हरी।
मोरा पीहू पीहू मन बोले, मोरा पीहू पीहू मन बोले, बोले 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 पीहू पीहू मन बोले, मोरा पीहू पीहू मन बोले। चंचल चौपन की लताए, चंचल चौपन की लताए, लचके झूम पल खाए, चंचल चौपन की लताए। जब मस्त बैरिया डोले, जब मस्त बैरिया डोले, मोरा पीहू पीहू मन बोले, मोरा पीहू पीहू मन बोले। कहिए, पसंद आया? जी हाँ, मगर ऐसा मालूम होता है अभी आपने नए नए सीखा है। बीना, यहाँ एक बात कहें। कहिए। अपने भैया से पूछो कि तुम्हारे मन का मकान आबाद है या सुनसान। भैया वो पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उनसे कह दो कि भैया के मन का मकान बिल्कुल सुनसान है, जंगल दरो दीवार पर घास उग रही। जा। भैया कह रहे हैं। उनसे कहना कि अगर ऐसा ही है तो किसी को बसा क्यों नहीं लेते, यही जंगल बाग बाग हो जाएगा। जाओ। भैया वो पूछ रहे हैं किसी को बसा लो, यही बाग जंगल जंगल हो जाएगा। हा? नहीं नहीं, बाग बाग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उनसे कह दो कि भैया को बाग बहुत बुरा मालूम होता है और जंगल में बड़ा जी लगता है। जा। भैया कह रहे हैं। अच्छा, उनसे कहना कि अकलमंद आदमी ऐसी बातें नहीं किया करते, अगर कुछ दिन और ये मकान यूं खाली पड़ा रहा तो इसमें भूत चुड़ैल बसने लगेंगे। जाओ। भैया वो कह रही हैं। अच्छा अच्छा सुनो, जा। भैया कह रहे हैं उनके मकान में एक चुड़ैल बहुत दिनों से रहती है। अच्छा, तुमने उस चुड़ैल का नाम नहीं पूछा? पूछो। हाँ भैया, उस चुड़ैल का नाम क्या है? बीना। बीना। मिस्टर अमर, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग शहर से कितनी दूर हैं? आप भी क्या सवाल करती हैं? कहिए, मोटर का हाल मुझे क्या मालूम, पैदल का होता तो बता भी देता। तो क्या आप मोटर में कभी नहीं बैठे? जी, किराए के मोटर पे कई दफा बैठा हूँ। लेकिन आज भी तो किराए की मोटर है। जी, अगर ऐसा है तो किराया अभी से बता दीजिए, बाद में खामखा झंझट ना हो। आपने गाड़ी किस लिए रोक दी? किराया बताने के लिए। ओ मिस्टर अमर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं आपको आपकी मर्जी से खरीद सकूं। जी हाँ, ये सौदा महंगा तो नहीं है, लेकिन मिस अरुणा, बड़े ताज्जुब की बात है कि बम्बई से 50-60 मील दूर होती ही आबोहवा में इतना फर्क आ गया। भगवान करे गाड़ी खराब हो जाए। आखिर खराब हो ही गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैंने जानकर खराब की है? वाह, मैं इतना नहीं समझता। भला इतनी बड़ी गाड़ी आपके खराब करने से खराब हो सकती है? कोई इंसान थोड़ी है। Thank you.
राम राम भैया। राम राम सेठ। राम राम। आओ आओ बैठो। हम जाने थे कुछ मोटर खराब हो गई है। हाँ है तो कुछ ऐसा ही, मगर आप ये बताइए कि यहाँ रात भर सो रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है? रात भर का इंतजाम तो मुश्किल है, तुम जानो कुठरिया तो एक का ही है। अच्छा तो फिर हम यहाँ भारी सो रहेंगे। हाँ यूं हो सका थे, ना तुमका तकलीफ ना हमका तकलीफ, और खाने वाने को सब इंतजाम हो जाइए। और भंग पियोगे? नहीं नहीं भंग भंग नहीं, भंग भंग नहीं। आप लोग कौन जात हो? मैं मैं तो जात का ब्राह्मण हूँ, मगर इनकी जात नहीं मालूम। अरे राम तो बिना जात देखे लग कर ली। लगन कहाँ की, मैं तो इनसे बहुत कहती हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं। अरे मोरे राम, अपने मुंह से लगन की बात करे तो हो। फिर क्या करें, इशारों से समझाया समझे नहीं, आखिर मुंह खोल कर कहना ही पड़ा। आप अंग्रेजी पढ़ी हो? हाँ। यह बातें तो ठीक है। यहाँ सैर के लिए आया करें और यूं ही मोटर का पेट्रोल खत्म हो जाया करें। क्यों अमर? ये तो आपके इख्तियार की बात है, लेकिन साथ किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। आखिर आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? नफरत? मैं भला आपसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? आप मालिक, मैं नौकर। लेकिन मैं तो नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे नौकर होकर रहे। बहुत आसान है, नौकरी से अलग कर दीजिए। आप मेरी बात का मतलब क्यों नहीं समझते? मैं सब समझ गया आपका मतलब। अब रात याद आ गई है, सो जाइए, या अगर आप कहें तो मैं बंबई चला जाऊं और पहली ट्रेन से ड्राइवर और पेट्रोल दोनों भेज दूं। पेट्रोल बहुत काफी है। अच्छा लाइए लाइए मेरी शेरवानी लाइए लाइए। रात भर मुफ्त में सब पीने पड़े। आज से दीना को बुखार आ गया साहब, बहुत जोर से बुखार आ गया। बुखार आ गया? तो फिर तूने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? जरा टेंशन, एक दिन के लिए बाहर जाओ, बच्ची को परेशान कर देता है। भैया भैया। बीना बीना। हेलो हेलो, मैं हूं अमर, डॉक्टर जोशी, जरा जल्दी आइए, बीना की तबीयत खराब है, जरा जल्दी आइए। डॉक्टर, बच्ची के मम्स निकला है, इसी वजह से बुखार आ गया है। आप नौकर को भेज दीजिए, मैं अभी दवाई भेज देता हूँ। खतरे की तो कोई बात नहीं है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। आला वो नारायण क्यों बैठा हूँ रहा है? जाके सो, चल जाके सो जा, चल।
बीना बीना आंख खोलो, देखो नारायण अभी तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला रहा है। हमारी बीना दूध पिएगी, बड़ी अच्छी बच्ची है हमारी बीना, आंख खोलो बीना। साहब आप चाय पी लीजिए, रात भर के जगे हुए हैं, आप आराम कीजिए, मैं इसके पास बैठता हूँ। हेलो हेलो, ओ आप हैं, मैं नहीं आ सकूंगा, कल से बीना को बुखार है। उसमें घबराने की क्या बात है, बच्चे तो बीमार हुए ही करते हैं। देखिए शाम को पार्टी में चलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकूंगा। बीना बीना आंखें खोलो, उठो दूध पियो, नारायण तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाया है। डॉक्टर ने कहा है कि जब बीना गरम गरम दूध पिएगी तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हमारी बीना दूध पिएगी गरम गरम। हेलो, तो क्या आप शाम को पार्टी में भी न जाएंगे? मैंने कहा ना कि बीना की तबीयत बहुत खराब है, आपको जरूर चलना होगा। जबरदस्ती है, तुम बताओ ना मैं उसको अकेला छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। हम वादा कर चुके हैं। हेलो हेलो, ये आप बार बार क्या कर रहे हैं, बात भी पूरी नहीं होने पाती और आप टेलीफोन बंद कर देते हैं। इस पाप के चलते छूट गए। अच्छा नारायण हम अब जाते हैं। हेलो अमन, कोई नहीं है इधर, अरुण अरुण हम नहीं जानता, इधर नारायण सेठ है, टेलीफोन को बंद करो। एक बार फिर बीना की मोहब्बत ने वो ऐशो आराम की जिंदगी छुड़वाई। इधर उधर मेहनत मजदूरी में 5 बरस गुजर गए। हुजूर ये आदमी बहुत मेहनती है, हुजूर ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है, हुजूर ये आदमी दिन रात काम करता है, हुजूर ये आदमी बहुत बदमाश है, कुछ काम वाम नहीं करता, हुजूर हुकुम दे तो इसी महीने में चुका दूं। हाँ लेकिन आदमी तो बहुत तंदुरुस्त मालूम होता है। हुजूर उनकी नाराजगी का कारण दूसरा है, अगर हुजूर बुरा न माने तो बता दूं। हाँ हाँ बोलो। हुजूर बात यह है कि इनका और मेरा मकान पास पास है, ये जब उधर से निकलते हैं तो मेरा चेहरा इन पर भौंकता है, बस इसी बात से नाराज रहते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ, हुजूर इसका चेहरा मेरी चंदेली का बच्चा है, मुझ पर कभी नहीं भौंक सकता, तुम झूठ बोलते हो। हुजूर पहले नहीं भौंकता था, जब से इन्होंने अपनी चंदेली बेच डाली है तब से भौंकता है। झूठ। देखते हैं हुजूर इसकी बदतमीजी, ठीक से सलाम भी नहीं करता, देखता नहीं हुजूर खड़े हैं। तो क्या करूं हुजूर खड़े, हुजूर ने मुझे काम करने के वास्ते नौकर रखा है या सलाम करने को? फिर काम करने लगा। अरे ये न हुआ कि हुजूर को झुक के सलाम करे। मिस्टर राजिंदर मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात का फैसला ही कर दीजिए, आपने मुझे यहां काम करने के वास्ते नौकर रखा है या सलाम करने को? अरे भाई इसमें पूछना क्या है, काम के लिए नौकर रखा है। तो कान खोल के सुन लो साहब, मुझे और मजदूरों की तरह न समझना, आज से अगर तुमने मुझे जरा भी परेशान किया तो क्या करोगे, हाथी चढ़ाओगे, खून करोगे, तो खाल खींच के बुझ बदलूंगा, समझे? देखते हैं हुजूर आजकल की दुनिया, ये वही आदमी है 3 दिन का भूखा मेरे पास नौकरी मांगने आया था, मैंने तरस खाकर इसको नौकरी दिलवाई और आज। और ये भी तो कहो कि उसके बाप दादा की निशानी चांदी की एक अंगूठी जो कि उसके पास रह गई थी बस तुमने रिश्वत में ले ली थी। नहीं नहीं हुजूर, चांदी की नहीं पित्तल की थी। तुम्हारा नाम अमर है? जी हाँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आदमी को 3 दिन खाना पीना न मिले तो क्या वो जिंदा रह सकता है? मिस्टर राजिंदर औरों के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो कई कई बार दिन दिन भूखा रहा हूँ और फिर भी जिंदा रहा। और तुमने किसी से मांगने की कोशिश भी नहीं की? जी नहीं, इत्तेफाक से काम मिला नहीं और भीख मुझसे मांगी नहीं गई। मालूम होता तुम आदमी शरीफ हो। जी हाँ, जब तक दिन अच्छे थे पैसा था हम भी शरीफ थे, जब से गरीब हुए मुसीबतों ने घेरा जलील हो गए। ये कैसे?
मिस्टर राजेंद्र, शायद आपको सोसाइटी के कायदे नहीं मालूम। अच्छा मिस्टर अमर, मुझे जरा अपना पता तो लिखवाइए। इधर कोई मिस्टर अमर रहते हैं? मिस्टर अमर, छता पता मालूम? हाँ भाई, वो है नी लंबे से तगड़े कारखाने में काम करते हैं। ये देखो पता लिखा हुआ है नंबर 45। वो समझ गए बाबूजी, कोई खास काम? हाँ खास काम तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद ही नया आदमी, कल ही आया मैं। अच्छा अरे भाई, ये यहाँ मिस्टर अमर करके लंबे से आदमी कहाँ रहते हैं? की गली में रहते। इस गली में? अच्छा मिस्टर अमर यहीं रहते हैं? भैया को पूछ रहे हो? अच्छा तो मिस्टर अमर तुम्हारे भाई हैं? जरा उनसे कह दो कि राजेंद्र बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। झूठ, राजेंद्र बाबू मेरे भैया के कोई दोस्त है ही नहीं। सुनो तो, तुमसे इससे क्या, तुम कह तो दो। मैं कभी नहीं कहूँगी। नहीं कहोगी तो मैं खुद पुकार लूंगा। पुकारिए मिस्टर अमर। ए मिस्टर अमर, मिस्टर अमर। फिर पुकारी? तुम फिर शोर मचाओगी? जरूर। पहले आप बताइए आपको काम क्या है। बहुत जरूरी काम है लेकिन उन्हीं से बताने वाला है। तो फिर तो जब तक आप मुझे नहीं बताएगा मैं कभी भैया को नहीं बुलाऊंगा। मगर वो काम तुम्हारी समझ ही में नहीं आएगा। आएगा कैसे नहीं, मैं कोई बच्चा हूँ? आपकी दीवार में पूरे 15 बरस की हो जाऊंगी। तुम भी अजीब जिद्दी लड़की हो। अरे मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें दुनिया के सब तरह के आदमियों की तरह तरह की आदतें, उनकी जिंदगी के हालात, उनकी खुशियाँ, उनकी विपताएं। कहिए महाराज, वो आपके मुकदमे का क्या रहा? सब भगवान की दया है भैया, फसलों पेशी होगी, भगवान ने चाहा तो सब होते। हाँ आपका मुकदमा तो बड़ा जोरदार है। मुकदमा तो जोर का है ही, मगर मेरा वकील बड़ा फॉरवर्ड है। भैया काम निकले जा रहा है, चुपे चुपे आओ आओ, एक पान खाओ। ओहो काका, तुम कहो मुलक से कब आए? रात ही आया हूँ भैया। और कहो, तो बाल बच्चे अच्छे? हाँ सब ईश्वर की कृपा है। और वो मेरा छोटा लड़का शंकाटा तुम्हें बहुत याद करता भैया। हाँ अब तो बड़ा हो गया होगा। भैया बड़ा गजब हो गया, एक बड़ा विचित्र आदमी तुम्हारी तलाश में आया है। विचित्र कैसा? बिल्कुल विचित्र भैया, सूट बूट पहने तुम्हें पूछ रहा था, मैंने साफ कह दिया कि यहाँ कोई अमर उमर नहीं रहता। फिर वो तुम्हारी बहन से पूछने लगा, मैंने इशारे से मना तो कर दिया, देखो जो वो समझ गई। तो वो अगर बता भी देगी तो क्या हर्ज है? हर्ज क्यों नहीं, मुझे तो वो खुफिया पुलिस का आदमी मालूम पड़ता था, उसके पास एक छोटी सी किताब भी थी। तो तुमने उसे ठोक क्यों नहीं दिया? कैसी बात करती हो भैया, खुद चोर मन चोर, भला मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ? तो ऐसी जैसी, चलो मैं भी खबर लेता हूँ। तो आप इतनी ढेर भरी बातें उस किताब में लिखिएगा? हाँ। और जो अभी मैंने आलू के छिलके फेंके थे वो भी लिखिएगा? हाँ वो भी लिखूंगा। अच्छा अब तुम अपने भैया को बुला दो। बाबूजी सच्ची बात ये है कि भैया अभी तक काम पर से नहीं आए। काम पर से नहीं आए? लेकिन आज तो कारखाने में 4 ही बजे छुट्टी हो गई। कारखाना? कारखाना कैसा? वाह तो इस बात में कुछ भूल हुई, मेरे अमर भैया तो स्कूल में मास्टर हैं, आप किसी और मिस्टर अमर की तलाश में होंगे। स्कूल में मास्टर है? हाँ हाँ। अच्छा तो बताइए मेरे अमर भैया की कैसी सूरत है? तुम्हारे भैया गोरे गोरे तगड़े से एकदम लंबे। बिल्कुल
पूछो, मेरे भैया ऐसे हई नहीं हई नहीं, मेरे भैया मेरे जैसे काले दुबले, मेरे इतने इतने हैं। Oh, what a blunder. Yes, sir. You speak English? Yes, sir. Why didn't you tell me before? No, sir. Oh, oh, Mr. Rajinder. Mr. Amar, आपका यही मकान है? जी हाँ, आइए आइए आइए। मिस्टर अमर, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात कहूँ, मुझे आपसे एक शिकायत करना है। शिकायत? कहिए कहिए। जरा आप अपनी बहन को बुलाइए। ओह, तो शायद मेरी बीना ने कोई शरारत की होगी। नन्नी, ओ बीना, इधर आ। क्यों री, यहाँ क्यों नहीं आती? अच्छा अच्छा, यहाँ ना, यहाँ यहाँ। मिस्टर अमर, आप यकीन जानिए, आध घंटे के अंदर आपकी बहन ने कम अज कम 150 झूठ बोले होंगे, इसीलिए तो अपना मुंह छुपा रही है। चोरी, सुना तूने? मिस्टर राजिंदर कहते हैं कि तू इनसे झूठ बोली। आ इधर आ, ये देख, आजा आजा आजा। और चोरी झूठ क्यों बोली? हाँ बोली। क्यों भैया? बात ये हुई कि ये तुम्हें पूछ रहे थे, मैं सोची कि अगर मैं इनसे कहती हूँ कि भैया घर में नहीं है तो शायद ये कहते मैं घर में बैठकर रास्ता देखूंगा, और ये बात उनको बुरी मालूम होती तो मैंने नए आदमी को घर में क्यों बुलाया, और अगर मैं इनसे कहती कि तुम यहाँ नहीं रहते और ये चले जाते और ये निकलते तुम्हारे दोस्त, शायद तुम्हें इनसे कोई काम होता तो भी तुम नाराज होते, फिर तुमने ठहराया क्यों नहीं? तो भैया ये सब बातें सोच के मैं इनको बातों में लगा रही, जिसमें तुम आ जाओ और खुद इनसे बातें कर लो। इतनी देर जो मेरी समझ में झूठ सचाया खूब बोली। मिस्टर राजेंद्र, आपने अब तो आपको किसी कदम की शिकायत नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बहन इतनी अकलमंद है। शाबाश। बीना, ये हमारे सेठ है मिस्टर राजेंद्र, हम इन्हीं के कारखाने में काम करते हैं। नमस्ते करो, चलो चलो, नमस्ते करो, चले चले चलो, नमस्ते करो। तो भैया इतनी इनकी भूल हुई, अगर ये बात ये मुझसे पहले कह देते तो मैं इनको कुर्सी पर बिठाती और दो पैसे की चाय भी पिलाती। शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो इनको छील छाल के लो। चल देखो, उंगली मत काट लेना। मिस्टर राजेंद्र, जिंदगी का सहारा बस ये बहन ही रह गई है। सारा किस्सा तो आप सुन ही चुके हैं, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली होंगी जब ये इतनी बड़ी हुई है। ये इतनी सी थी जब मैंने घर छोड़ा था। मिस्टर अमर, सच तो यह है कि आपका कैरेक्टर इस काबिल है कि किताब में लिखा जाए। दरअसल इसीलिए मैं आपके यहाँ आया भी हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, चाहता हूँ कि उसके लिखने में आप मेरी मदद करें। आप कैसी बातें करते हैं, किताब और मजदूर, कहाँ पूरब कहाँ पश्चिम। खैर, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए ताकि मैं आपके साथ इत्मीनान से बातें कर सकूं। देखिए, बड़े आदमियों के घर जाने की मेरी आदत तो नहीं, मगर आप कहते हैं तो खैर चला चलूंगा। मगर भैया जल्दी से वापस आ जाना। क्यों, क्या तुम्हें डर लगता है? जी नहीं, डर नहीं लगता, मगर भूख बहुत जोर से लगती है और मैं बगैर भैया के खाना नहीं खाता। ओहो, तो तुम अपने भैया को बहुत चाहती हो? जी हाँ, और भैया भी तो मुझे बहुत चाहते हैं। झूठी, मैं तो नहीं चाहता। नहीं चाहते, अच्छी बात है, तो आज ही मैं बर्तन मांज के खूब हाथ मुकाला करूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मार कौन खाएगा? और फिर रहेगा कौन, मैं कि तुम? ये बात आप नहीं समझोगे, लेकिन किसी शरारत पर मैंने एक तमाचा मार दिया था। ये तो दो चार मिनट और दो चुप हो गई, मगर साहब मैं कोई दो घंटे तक रोया किया, इसको दरंज हुआ। यूं तो मिस्टर अहमद, दुनिया में सभी भाई बहन एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आपका केस काबिले तारीफ है। अरे साहब, अभी आपने देखा क्या है, आइए। ये देखिए मिस्टर राजेंद्र, ये सारी चीजें मेरी बीना के बचपन की यादगार हैं। कैसी ही मुसीबत क्यों ना आए, कुछ हो, मगर ये सब मेरे दम के साथ रहती हैं। मसलन ये देखिए, ये चाकू बड़ी जिद करके खरीदा था,
एक दिन पिंसल जो बनाने बैठी तो आधी उंगली काट डाली। 3 महीने मरम पट्टी करनी पड़ी। ये देखिए ये जूता, अब आप पूछें कि दूसरा जूता कहाँ है। किस्सा ये हुआ कि उस जूते ने पांव में जख्म डाल दिए थे, तो मारे गुस्से के इसने उसको दांतों से काट काट के कुएं में फेंक दिया और एक ही जूता पहने पहने घूमा करती। अरे बीना, ओ बीना, अरे वो रबड़ की चुस्नी क्या हुई यहां से? भैया वो तो मेरे पास है। क्यों यहां से क्यों उठाई? भैया मैंने इसे ऐसे ऐसे करके देखा था कि आप कैसा मालूम ये तो तुम बुझे अजीब छोकरी है साहब, ऐसी पचासियों चुस्नियां मैं रोज लाया करता था और ये बस घंटा दो घंटे में कुतर कुतर के खा जाती थी। चुटिया कही थी। हाँ ये लीजिए ये लीजिए ले, ले, ले। अरे भाइयों, अरे मैं लुट गया, इन्हें तो ठीक कर लेना, इन्हें तो मैं लुट गया, अरे काट ले गया, अरे क्या हुआ? पहले इनसे पूछो आपका माल कितना गया। अरे 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 माल पूछते हो, अरे छाती फट जाती अगर अगर तुम्हारा इतना माल निकल जाता। कितना डाल दो। सुनो 5975 नंबर का एक नोट 5 रुपए का और 5 रुपए खरे और 2 रुपए खोटे और 7.25 के पैसे। अरे राम धन्य धन्य। हाँ हाँ प्रभु धन्य हो धन्य हो धन्य प्रभु। क्या हुआ भैया क्या हुआ? क्या बताऊं बिटिया, बस धन्य धन्य। ए ए ले ये दे। अब भला बताओ कि संसार में किसका कोई भरोसा करे, धर्म का तो कहीं नाम नहीं रहा, नाम नहीं रहा बिटिया। क्या हुआ भैया? महीने भर तो मेहनत की, दिन दिन भर हाथ पांव तोड़े और जब पैसे मांगे तो आजकल आजकल लगाई और फिर देते देते भी दिए तो ये देखो ए ए ए 2 रुपए छोटे दे दिए। अब भला बताओ कि मैं किसके सामने जाके अपना सर दे मारूं। तेरा धन्य। ओहो तो भैया इसमें इतनी परेशानी की कौन बात है, 2 रुपए में न सेठी के महल खड़े हो जाएंगे न हमें धनी हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं तो ऐसे ऐसे हजारों 2 रुपए भगवान दे देंगे। अपना तो सब सहारा बस भगवान पर है, कहीं न कहीं से भेजी देते और ऐसी जगह से जहाँ से कोई आसरा ना, बिल्कुल अचरा ना। हाँ भैया भगवान की लीला कौन जाने। धन्य प्रभु धन्य। मिस्टर मैं मुझे दुनिया में कोई शौक नहीं है, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी किताब ऐसी हो जाए कि दुनिया में नाम रह जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। हाँ देखिए कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, अगर अगर आपकी भी मेहरबानी हो जाए तो। जी नहीं मुझे तो बस माफी रखी है, ये मेरे बस की बात नहीं। आप मेरा मतलब नहीं समझे मिस्टर अमर, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए यहीं आ जाइए ताकि मैं आपकी लाइफ स्टडी कर सकूँ। मिस्टर राजेंद्र ये मैं उम्र पर नहीं कर सकता। मगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? देखिए मिस्टर अमर ये ड्राइंग रूम वो बेडरूम ये आला दर्जे का फर्नीचर सब आप ही के लिए है। मिस्टर राजेंद्र क्या आप किसी बच्चे को खिलौने दिखला के बहलाना चाहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि इससे कुछ अर्सों कबल मेरे पास भी ऐसा ही मकान था, फर्नीचर था, जिसको मैं खुशी से अपने नौकर नारायण को देके चलाया। क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि अगर आप इस फर्नीचर की कीमत को इंसाफ से सर्व करना चाहें तो करीब करीब 100 ऐसे आदमियों के खाने और रहने का इंतजाम हो सकता है जिनके पास न रहने को ठिकाना है और न खाने को रोटी। मिस्टर अमर सच तो यह है कि ये बात आज तक तो मेरे दिमाग में आई नहीं। तो इसके ये मायने हैं कि दुनिया में आप आंखें बंद करके जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसके लिए बाबूजी? आज कोई और नया जानवर आया है? वापस वापस ले जाओ। राजेंद्र जी पिताजी मैं कहता हूं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या पिताजी? आज कोई जोगी बैरागी नहीं मिला, एक और नया आदमी पकड़ कर ले आया। घर क्या कोई धर्मशाला है, होटल है, आखिर क्या है? 50 दफा तो उससे कह दिया कि धर्मशाला ही खोलना है तो मोटर खाने में क्यों नहीं खोल लेता, घर का फर्नीचर क्यों सत्यानाश करता है? आप तो पिताजी यूं ही बगैर समझे बूझे खामखा इंटरफियर किया करते हैं। आपको क्या मालूम बगैर इन लोगों की मदद के मेरी किताब कभी पूरी ही नहीं हो सकती। अरे तो तुझसे किताब लिखने को कहा किसने? जब देखो किताब किताब, बाप ने तो कभी किसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी और बेटा किताब लिख रहा है, बेवकूफ।
मिस्टर अमर, आप पिताजी की बातों का ख्याल ना कीजिए, ये तो यूं ही कहा करते हैं। हो सकता है राजेंद्र बाबू, दुनिया में कुछ लोग शराब पी के बेहोश रहते हैं और कुछ रुपए के नशे में मस्त। माफ करिए आप उन्हीं लोगों में। अच्छा मैं जाता हूँ। खैर आपकी मर्जी, मैं आप पर जोर तो दे ही नहीं सकता, लेकिन एक बात का वादा कीजिए कि मेरे और आपके दोस्ताना संबंध में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए मुझ में और आप में बड़ा फर्क है, बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा नमस्ते। जरूर बजाओ, चाहे आती जाती खाक भी ना हो। हाँ कान खाए जा रही है। भैया ये बात तो ठीक है, मगर भैया अभी अभी मैंने एक बड़ा अच्छा गाना बनाया है। चल लगाई डोमनी गाए ताल बेताल। नहीं भैया तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हें खफा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा सुनाओ। अच्छा चलो सुनाओ सुनाओ। मगर भैया न हंसना न खपाना। अच्छा अच्छा चलो सुना सुना। हाय नखी खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नखी खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नखी खाते हैं भैया मेरे पास। खाए वो कैसे खिलाए वो कैसे, खाए वो कैसे खिलाए वो कैसे, घर में नहीं बांधा हाय सारे, घर में नहीं बांधा हाय। नहीं खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास। मुझे देते हैं खाने न खाते हैं खुद, मुझे देते हैं खाने न खाते हैं खुद, बड़े आए दिखाते हैं शान। जानो बिना है अब तक नादान, मारे गुस्से से लालो मकान। हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास, हाय नहीं खाते हैं भैया मेरे पास। तुम भैया कैसा कहा? ये एक रुपया, ये चार आना, ये छह आना, ये आठ आना, ये बारह आना, ये एक रुपया, ये चार आना। और जो मेरे पास चार आने न हो तो मतलब? अच्छा सुनो, तू ऐसा नहीं कर सकती। देख मेरे भैया मुझे रोज दो पैसे देते, तू दो पैसे आज ले लो और चीज मुझे दे दो, फिर दो पैसे कल ले लेना, दो पैसे परसो, दो पैसे नरसो, दो पैसे तरसो, और फिर कल फिर परसो फिर नरसो, इसी तरह तुम्हारे पैसे आधा हो जाएंगे। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, तुम चीजें ले लो, पैसों वैसों की फिक्र ना करो। जी नहीं बाबूजी, मैं नहीं ले सकती। क्यों? भैया नाराज होंगे। चल चल बड़ी आई भैया वाली बनके, बोल क्या लेगी। बाबू जी आप मुझसे ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों? आप तो मेरे भैया नहीं है। अच्छा अच्छा बोल क्या लेगी। मैं नहीं लूंगी। नहीं लेगी तो देख मैं तेरे भैया से कह दूंगा, फिर मैं नहीं जानता हूँ। इससे मैं नहीं डरती, लेकिन आप एक बात मानिए तो ले लूं। वो क्या? देखिए अभी मैं ये सब चीजें लिए देती हूँ। अच्छा आप पैसे दे दीजिए, आपके पैसे उधार रहेंगे, या तो मैं भैया से दिलवा दूंगी, नहीं तो मैं रोज दो दो पैसे करके
खुद छुपा दूंगी। अच्छा माना, चल बोल क्या लेगी। ये 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 लो भाई, ये सब बांधो जरा। M6 तैयार है। अब आप अपना हिसाब जोड़ लीजिए, आपने कितने पैसे उसे दिए? अरे पैसों की क्या फिक्र है, तुम ये समझो कि ये सब चीजें मैंने तुम्हें दे दी। वाह वाह, मैं ये क्यों समझू? आप गैर आदमी, मैं आपसे इतनी चीजें क्यों लेने लगी? मगर इसी तरह गैर अपने भी तो हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप अमीर, हम गरीब, हम आप भला कैसे एक हो सकते हैं? ये तुमसे किसने कहा? भैया कहते हैं। अच्छा बीना, तुम अपने भैया से क्यों नहीं कहती कि थोड़े दिन के लिए हमारे घर पर आन कर रहे और तुम भी रहो? आपके घर में क्या क्या है? बहुत अच्छी चीजें होंगी। बहुत सी चीजें हैं, बड़ा सा बंगला है, बहुत सारे नौकर हैं, आला दर्जे का फर्नीचर है। फर्नीचर क्या? ये सब मेजे, कुर्सियां, पलंग। हाँ, और दो तीन मोटरें भी हैं। अच्छा, अगर मैं आपके यहाँ रहूंगी तो आप मुझे रोज मोटर पर सैर कराया करेंगे? सैर क्या, मैं तुम्हें एक मोटर ही दे दूंगा। मोटर दे दीजिएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अमीर आदमी, झूठ भी बोलते हैं। ये तुमसे किसने कहा? भैया कहते हैं। ये सब सामान कहां से आया? मैंने मोल लिया। और पैसे किसने दिए? राजेंद्र बाबू आए थे, उन्होंने दिए। राजेंद्र बाबू की बच्ची तूने क्यों मांगे उनसे? मैंने नहीं मांगे, गाड़ी वाला आया था, उसे मैं सब चीजों के दाम पूछ रही थी, वो आ गए और जबरदस्ती ये सब चीजें खरीदी। मैं कहती रही नहीं लूंगी नहीं लूंगी, मगर वो एक नहीं माने। फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको भैया से पैसे दिलवा दूंगी। मैं पूछता हूँ तू घर से बाहर ही क्यों गई थी? लोन पौड़ा लेने गई थी मुंह लाल करने को, तो तमाचे ऐसे मारू कभी मुंह लाल हो जाए। पत्ता मीज लाल पौड़ा खरीदेगी, मैं भी एक चीज को उठा के बाहर देखूंगा। पुराने समय में हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में एक आदमी रहता था। वो कारखाने में काम करता था, उसकी एक छोटी बहन थी जो बहुत अच्छी थी, कभी शरारत नहीं करती थी, मगर उसका भाई रोज उस पर बेकार बेकार को गुस्सा किया करता था। और भैया ये क्या लिखा? भैया अब तो नाराज नहीं हो? नहीं, नहीं। तो एक चीज मुझे ला दोगे? क्या? ला पाउडर। बिटिया। ओहो अब आए हो भैया, कब खाना बनेगा और कब खाओगे? अरे बिटिया खाना तो रोज ही मिलता है, लेकिन भगवान कहीं रोज रोज थोड़े ही मिलते। भगवान क्या कह रहे हो भैया? भैया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मगर नहीं, पहले आंखें बंद कर।
आगे बंद कर। नहीं नहीं भैया नहीं, हमें दिखाओ। हो जाने। अच्छा लो मैं आंखें बंद करती हूँ। रोज कहती थी कि ठाकुर का सिंहासन खाली पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। अब तो नहीं खाली रहेगा? हाँ भैया, देखो ना कितना अच्छा मालूम होता है। भैया कितने में मिले? कितने मिले? पागल तो नहीं हो गए? अरे भगवान भी कई रुपए पैसे से मिलते हैं। वो तो जिस पर दया करते हैं खुद ही उसके घर चले आते हैं। ये तो ठीक है भैया, फिर भी आखिर कैसे मिले? कहीं से मांग लाए हो? ऐसे ही कुछ समझ लो, कैसी जगह पड़े थे कि न कभी पानी न कभी फूल। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं लेता चलूं, और फिर मैं क्या लाया, भगवान न चाहे तो भला उन्हें कोई ला सकता है। सच है भैया, सच है। अच्छा सच तो है, भगवान को कुछ भजन वजन सुनाओ, रोज जान खाई जाती थी। हाँ, क्यों नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो घर में हो। मैं तो आपसे खफा हूँ। मुझसे खफा? ये क्यों? क्यों क्या, उस दिन मैं आपसे कहती रही चीजें न खरीदिए न खरीदिए, आप न माने, आखिर भैया मुझ पर खफा हो गए और सब चीजें फेंक दी। न मालूम आपने किस दिन से पैसे दिए। ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पैसे तो तुम्हें देना ही पड़ेंगे। बाबूजी पैसा तो एक में मिलेगा, जब चीजें नहीं तो पैसे कैसे। वाह वाह, ये खूब व्यापार किया हमसे। ये तो है ही खूब। अरे अरे ये मेरा जूता है। जूता है तो क्या हुआ। अब आपका भी मुंह गंदा हो गया। ये क्यों? आपने मेरा जूता पानी पी लिया और मैं झूठ बहुत बोलती हूँ। बेशक तुम झूठ तो बहुत बोलती हो, अभी तुम कह रही थी कि भैया ने सब चीजें फेंक दी लेकिन ये चूड़ियां तो अभी तक। बाबूजी ये बात नहीं थी, ये तो मैंने चुपके से छुपा कर रख ली। तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था,
भैया ने जब और सब चीजें फेंक दी तो ये भी तुम्हें फेंक देना चाहिए थी। दिल में आया तो था ना फेंक दी, लेकिन लेकिन फिर नहीं फेंका। तुम इन्हें क्या करोगी? कुछ नहीं, अपने पास रखूंगी। अच्छा तो ऐसा करो, दो चूड़ियां मुझे भी दे दो, मैं भी अपने पास रखूंगा। आप क्या कीजिएगा? जब मेरी शादी होगी ना तो अपनी पत्नी को दे दूंगा। लीजिए, मगर मेरी तरफ से दीजिएगा। ला मैं उतार लूं। भगवान करे आपकी पत्नी मोटी हो। ये क्यों? जिसने ये चूड़ियां उसके चढ़ी ना। भगवान करे बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। तो भैया से कहिए ना। बीना, बीना। बाबूजी अब आप जाइए जल्दी से। अच्छा बीना, मैं जा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए बिंदी की शीशी लाया हूँ, ये ले लो। मैं नहीं लेती। लोगे कैसे? नहीं बहुत करोगी, दो पैसे दे देना। बाबूजी अब आप दो तीन दिन में आइएगा। कुसुमदार तुम भगवान की इतनी पूजा करती हो, कुछ मांगती भी हो? हाँ मांगती हूँ। क्या? ये ना पूछो। ओ मुझसे क्या शर्माना, चलो कहो कहो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति चाहे गरीब हो मगर जुआरी शराबी ना हो, नेक आदमी हो। चलो हटो, मांगी भी तो आती थी, मान लो नेक भी हुआ जुआरी शराबी न हुआ और हुआ बूढ़ा सड़ा साफ, न मुंह में दांत न पेट में आग, दिन रात पड़े पड़े हुक्का गुड़गुड़ाया करता हो तो? नहीं नहीं भगवान ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। करे या न करे मगर तुम आज ही प्रार्थना क्यों करो? कहा करो, हे भगवान मेरा पति बस मुझसे 3-4 बरस उम्र में बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत गुस्सा न करता हो, चाहे पैसे वाला भी हो चाहे मोटर भी उसके पास हो मगर तबीयत गरीबों जैसी हो, मुझसे प्रेम करे, बिना मांगे अच्छी अच्छी साड़ियां और गहने लाकर दे, ये सब कहा करो। ओहो इतनी सारी बातें तो मेरे ध्यान में थी ही नहीं, तुम ही इतनी बातें याद करके प्रार्थना किया करो। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। मैंने तो आज तक न पूजा की न प्रार्थना, भैया मूर्ति नहीं लाते, वो तो कहते हैं मेरी तो लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी गंगा माई काली माई सब कुछ मेरे बिना, मैं और किसी की पूजा नहीं करता। मैंने कई बार कहा अच्छा मेरे लिए तो एक छोटी सी मूर्ति ला दो, कहने लगे तू खुद देवी आखिर तू किस देवी की पूजा करेगी? अब बताओ इसका क्या जवाब? इसका जवाब तुम अपने भैया ही से पूछो। तुम मेरी तरफ से भैया से पूछ लो, जैसे मेरे भैया वैसे तुम्हारे। नहीं नहीं ओहो ये बात है। अच्छा चलो प्रार्थना करें, आज मैं तुम्हारी आशा भगवान से कैसे पूरी करा दूं। ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया। तेरे नशे में चूर रहूं, इस संसार से दूर रहूं, तेरे नशे में चूर रहूं, इस संसार से दूर रहूं, ये है पाप की बाजरिया, गोकुल वाले सांवरिया, ये है पाप की बाजरिया, गोकुल वाले सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, मुझे ले चल अपनी नागरिया, गोकुल वाले
गांव नहीं, मैंने देख लिया है। ये कौन है? तुम्हारी बीना। और ये? बीना, अच्छी लड़की है, ऐसे खेल नहीं खेलती। नहीं, भगवान करे बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। तो भैया से कहिए ना। मुझे इन अभी राज्यों का कोई भरोसा नहीं है। जानवर बीना, बीना गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बड़ा गजब हो गया, भगवान कहीं चले गए हैं। क्या तुम जानती हो? हे राम, ये क्या किया तुमने बिना? इसमें क्या हुआ? मुझे भगवान से चुपके चुपके बहुत सी बातें करनी थी, इसलिए मैं ले आई। बिना तुमने पाप किया, मैं कुछ नहीं जानती। आजकल मेरा दिल ही ठिकाने नहीं है। देखो बिना, मैं तुम्हें समझाए देती हूँ, अपने जी को संभालो, नहीं तो भगवान न करे बीमार हो जाओगी। ये तो मैं जानती हूँ, माथे पर हाथ लगा के देखो। कुसुम, मैं डॉक्टर के हंदवा लेने जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, तुम जरा देखती रहना। मैं लूट गया, मैं तबाह हो गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई, दौड़ो 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 दौड़ो। ये इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, मैं जरा राजपाली में गया था, अभी छुट्टी मिली है। राजपाली? नहीं छोड़ोगे तुम अपने करतूत? करतूत कुछ नहीं भैया, राजपाली में जरा ओवर टाइम ज्यादा मिलता है। और शर्म नहीं आती तुमको? भैया भूख जाए तो शर्म आए। सुनो मर भैया, बीना कैसी है? वैसी है, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। बीना, कब से तबीयत खराब है? 3-4 दिन से। डॉक्टर आया था? जी नहीं, डॉक्टर तो नहीं आया था, इनके भैया डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गए हैं। क्या खाक दवा लेने गए? ऐसी दवा से कुछ काम चलता है? ऐसे मरीज के लिए बहुत देखभाल की जरूरत है, डॉक्टर होना चाहिए, रात दिन पास नर्स रहनी चाहिए, बहुत सफाई होनी चाहिए। यहाँ ये कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ, वहां सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इनके भैया को तो वापस आ जाने दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब वो आए तो उनसे कह देना कि राजेंद्र बाबू उसको अपने घर ले गए, वो खुद भी वहां आ जाएं। ऐसे मरीज को 1 मिनट भी इस घर में रखना खतरे से खाली नहीं। बीना घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं, मोटर में। हाँ क्या चाहिए, नाव मैं उठा दूं?
को ले गए। कौन ले गए? राजेंद्र बाबू। तुमने क्यों उन्हें जाने दिया? मैंने बहुत रोका मगर उन्होंने कहा कि जब वो आए तो मेरे घर भेज देना। भैया मैं नहीं था, मैं होता तो हरगिज नहीं जाने देता। तू भी मर जाता। है? ये क्या? पिताजी जरा। पिताजी के बच्चे सुन नहीं आती। अब तेरी ये हिम्मत हो गई? अभी तक घर धर्मशाला बना था, अब क्या तू मैं कहता हूँ घर को रास्ता बनाना चाहता है? आखिर ये क्या अंधेर है? क्या तू समाज में मेरी नाक कटाकर छोड़ेगा? ये तू रास्ते पर से आखिर किसको उठाकर ले आया और फिर बेहोश करके लाया? पिताजी जरा गौर से देखिए, ऐसी लड़की रास्ते की नहीं होती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, फौरन इसे वापस ले जा। मगर इस वक्त गुस्सा न कीजिए, सुबह देखा जाएगा। हरगिज नहीं, आफत कर दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, वरना फौरन से बाहर ले जा। अच्छा मैं इसे ले जा रहा, लेकिन जब तक ये लड़की अच्छी नहीं हो जाएगी मैं भी इसी के घर पर रहूंगा। क्या कहा? ठहर, क्या कुछ बीमार है? जी हाँ। बुखार है? जी हाँ, बहुत तेज बुखार है। अरे तो तू मेरा मुंह नहीं देखता है, यहाँ हवा में क्यों लिए खड़ा है? जा जा, अंदर जाके लेटा दे। राजेंद्र, डॉक्टर भाटिया को जल्दी से फोन करके बुला ले। जरा आप ही टेलीफोन कर दीजिए पिताजी। आए? जरा आप ही टेलीफोन कर दीजिए। अच्छी बात है। हेलो हेलो, कौन? डॉक्टर? कौन आया मेरी बहन पे? कौन है? का वक्त नहीं है, मेरी बात सुन। नहीं, मैं इसे कर ले जाऊंगा, वहां उसका दवाई इलाज अच्छी तरह नहीं हो सकेगा। हो सकता है, इससे पहले जब वो बीमार पड़ी थी जब कौन दवा करता था, जब कौन रात रात पर जाकर सुबह कर देता था। तुम जे देखो मैं दवा लाया हूँ। मिस्टर अमर आप समझते नहीं है, पहले वो बच्चा थी, अब वो जवान हो चुकी है, उसे नर्स की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, वो मेरी नजर में अभी बच्चे थे, समझे? मैं उसे ले जाऊंगा ले जाऊंगा। अभी तक बेहोश है, 104 बुखार है, निमोनिया का डर है, आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा मेरे बीना को दुनिया में कोई आराम नहीं दे सकता। मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। मिस्टर अमर जरा ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर राजेंद्र, ऐसी नाजुक हालत में इस लड़की को इतनी तकलीफ दी गई तो शायद सुबह तक ये जिंदा ना रहे। जिंदा ना रह सके? बीना, बीना मर जाएगी जैसे और सब मर गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा डॉक्टर, हाँ हाँ, अच्छा
भैया अभी तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं इस वक्त मकान खाली कर रहा हूँ। कल की बात करो भैया, 3 बजे रात को आकर जाओगे कहाँ? कहीं भी जाऊं मगर सुबह तक मुझे मकान खाली कर देना है। मगर कारण क्या इतनी जल्दी का? कारण कुछ नहीं, मैं दीना को उनके यहाँ नहीं रख सकता। अगर सुबह तक मैंने मकान खाली ना कर दिया तो वो फिर आके परेशान कर दिया। इतनी सी बात है उसके लिए तो मकान छोड़ दे रहे हो और फिर बीमार का साथ? तो फिर क्या करूं बताओ? तो भैया कोई तुम उनके बसे हो, आखिर इतना डरते क्यों हो? अरे मोती, डरता इसको हूं कि कहीं गुस्से में आन के उसके 2-4 हाथ ना मार दूं कि जिससे उसका दम निकल जाए और एक और आफत हो। फिर आखिर इस लड़की का कौन ख्याल करेगा? भैया तुम इतनी लंबी चौड़ी बात कहने का समय क्यों दो? सामान उठाओ, मेरे यहां रख दो, तुम भी वहीं बैठो। सुबह वो पूछने आएंगे, मैं कह दूंगा वो रात ही को कहीं चुपके से चले गए, मुझे खुद पता नहीं, ठंडे ठंडे चले जाएंगे। वो उधर गए, इधर तुम फिर अपने मकान में आ गए। ख्याल तो ठीक है। अच्छा तो चलो सामान चलो। क्या आपको मालूम है मिस्टर अमर कहाँ चले गए? अमर तो बाबूजी रात को कहीं मकान छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कुछ पता वता तो दे गए होंगे? यही तो रोना है बाबूजी, पता वता कुछ नहीं बता कर गए हैं। एक सहारा था वो भी नहीं रहा, भगवान जाने इस विधवा का क्या होगा। तो क्या बाबूजी महीने में 2-4 रुपए दे दिया करते थे, उसी से काम चल जाता था। अब क्या भगवान। लेकिन आप परेशान न होइए, 4-5 रुपए की कोई बात नहीं है, ये लीजिए। सुखी रहो बाबूजी, जवानी का सुख पाओ, बच्चे हो, विवाह करो, जैसे तुमने इस विधवा की आत्मा को सुखी किया है वैसे ही तुम भी सुख पाओ। नहीं खाऊंगी। तो ये क्या मैंने सब अपने लिए पका के रखा है? तो मैं क्या करूं, मुझे भूख ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं कहती कि मैं कुसुम के यहाँ से खा के आई हूँ? वहाँ से क्या खाती, वहाँ तो मैं पूजा करने गई थी। खूब अच्छा तुमने पूजा सीखा है। लौनी ने सीखा सलाम, न देखे सुबह न देखे शाम, न खाना न पीना, हर वक्त पूजा पूजा पूजा। ये आखिर तुम्हें क्या हो गया या फिर तू बीमारी से उठी है? मुझे खुद नहीं मालूम। ये भी सीख नहीं खाएगी मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। अमर भैया आखिर बात क्या है? 10-15 दिन से मैं देख रहा हूं कि तुम किसी गहरी चिंता में पड़े रहते हो। भगवान की कृपा से तो बीना अच्छी हो गई है। अच्छी कहाँ हो गई, तुम्हारी बहन ने अब उसे एक दूसरी बीमारी लगा दी। कुसुम ने? हाँ कुसुम ने, कहाँ से पूजा करना सिखा दिया। पर दिन पूजा रात पूजा, न खाने का होश न पीने का होश, सुबह से शाम हो जाती है, बालों में कंघी तक नहीं करती। जब देखो चुप,
नाचती है न शरारत करती है, अगर तुम भी तो उसे दिन से देखते हो बहुत जोर मजाक करती, अब वो कुछ भी नहीं, वो भी नहीं रही, रही। भगवान जाने क्या रोग है। सच्ची बात है भैया, सच्ची बात है, ये रोग बहुत बुरा। कहो मैं कैसे जानता हूं, पूछो। बैठो। 5 बरस से मेरी कुसुम को भी यही रोग हो गया है और अभी तक है, और मजा तो ये कि दवा भी मालूम है, लेकिन भैया गरीबी बुरी बला है, यहाँ पेट भरने को पैसा नहीं तो भला दवा कहाँ से आए। बताओ अगर कुछ बताओगे भी है क्या दवा कहाँ मिलती है। भगवान जाने भैया, बस एक दवा है, जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। क्या शादी कर दूं, अपनी बिना किसी के हवाले कर दूं। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो भैया। अरे अमर भैया, सच्ची बात तो ये है कि न कुसुम मेरी न बिना तुम्हारी, प्रेम मुरव्वत सब बचपन, बस उधर जवान हुई और आंख में सुअर का बाल पड़ा, अब बिना शादी किए कोई उपाय नहीं चलता, सब झूठी बात। और दूसरा उपाय कर ही क्या सकते हो, या मैं ही क्या कर सकता हूं, बचपन की बात थी। दूसरी हुई, मिठाई देके बहला लिया, खिलौने देके मना लिया, उस पर भी न मानी, गोद में उठा लिया, बाजार घुमा लाए, मिला दिखा लाए, चलो चुप हो गए। लेकिन भैया अब मिठाई और खिलौने से काम नहीं चल सकता, अब तो उन्हें पति देव के घर के रूखे टुकड़े अच्छे, लेकिन नैहर की पूरी कचौरी नहीं अच्छी। इसीलिए भैया बड़े लोग कह गए हैं कि लड़का अपना धन लड़की पर आया। माना कि तुम बीना से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन भैया छाती पर पत्थर रखो कि शादी कर दो, जवान हो गई। अंधे हो तुम, वो भी बच्चा है। अरे बीना इधर देख, अरे इधर देख, आज मैं एक तेरी बड़ी बढ़िया चीज लाया हूँ, बिल्कुल तेरी पसंद की। क्या? दूंगा थोड़ी। क्या चीज है? बिल्कुल तेरी पसंद की, मगर दूंगा ही नहीं। हाँ, 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 एक शब्द दे सकता हूँ। क्या? अगर तू 2 मिनट तक बराबर हंसेगी तो दिखा दूँ। पहले चीज तो दिखाओ। पहले हंसने का वायदा करो फिर दिखाऊंगा। पहले चीज दिखाओ। पहले हंसने का वायदा करो फिर मैं दिखाऊंगा। पहले चीज दिखाओ फिर। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, तेरे पसंद की चीज, लाल पाउडर। मैं भी कहूँ क्या चीज है, लाल पाउडर। लाल पाउडर, लाल पाउडर, लाल पाउडर। क्यों, अब लाल पाउडर नहीं चाहिए? 4 दिन पहले तो लाल पाउडर के लिए जान खाई हुई थी। जब की और बात थी, अब मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूं। महीने ही भर में बूढ़ी दादी भी हो गई। चाहता हूं, मुझे है कि लड़की जब जवान हो जाती है तो उसे खुश रखने की क्या तरकीब है? बेटा बड़ी आसान तरकीब है, शादी कर दो। क्या शादी कर दूं? जिसको देखो शादी। काका ये बात तुमने धूप में सफेद की है, जो मुंह में आवाज दिया, सोचते तो बात क्या करो। बेटा मैंने खूब समझ के बात की है, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है। अपना सर देखा, क्या अच्छी सलाह है। कहते हैं कि अपना कलेजा काटे किसी गैर को दे दो, अपनी आंखें अपने हाथ निकाले किसी अंधे को दे दो, अपना सर काट के मर जाओ। मजे की बात तो यह है बेटा कि तुम ये भी सब करो मगर फिर भी तो वो खुश नहीं हो सकती। काका तकदीर तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, मगर काका
भगवान के लिए कोई और तरकीब बताओ, मेरी बीना अगर मुझसे छूट जाएगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा काका? तुम क्यों आखिर शादी की सलाह दे रहे हो? जरा समझो काका, ये मुझसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने घर का दिया उठा के दूसरे के घर में रखाऊं और अपने घर में हमेशा के वास्ते अंधेरा कर लूं? बेटा सच है, मगर संसार की रीत ही यही है, कोई कर ही क्या सकता है। कर ही क्या सकता है। क्या भैया? एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? वो ये कि या तो सारे संसार वाले गधे हैं और या मैं गधा हूं। ना ना भैया, तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ, संसार वाले सब गधे, लेकिन बात तो बताओ, किस्सा क्या है? किस्सा क्या है बाबा? जिसके पास जाता हूँ कहता है बीना की शादी कर दो, मर जाओ, जहर खा लो बस। अमर भैया, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। बैठो, एक उपाय और है, वो भी कर देखो, पूरी पूरी जांच हो जाए। बताओ। सुनो, आज तुम बीना से जाके कहो कि मैं समझता हूं तेरी हालत ऐसे नहीं सुधर सकती, जान पड़ता है तू इस घर से बहुत तंग आ गई है, तो अब जहां तू कहे तेरी शादी कर दूं। बस इतना कह के तुम चुप हो जाओ और फिर देखो कि बिटिया की तबीयत एक ही दिन में कैसी बदल जाती है, और जो न बदले तो जो चोर की सजा वो मेरी। बीना, मैं समझता हूं कि तू इस घर से बहुत तंग आ गई है, जहां तू कहे मां मैं तेरी शादी कर दूं, जिससे ये रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। कहां कैसे जाएगा कि उनके साथ? अरे वाह कुसुम, तुम रंज क्यों करती हो? क्या तुम समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अरे मेरा नाम बिना नहीं जो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हें दुल्हन बना। भैया जाएंगे कहां? देखो, जहां एक दिन व्रत रखा, खाना छोड़ा, बस तैयारा। घर जाना पिया, घर
देखा भैया, अब माने कि नहीं? कभी कभी तुम्हारा ये चेला भी ऐसी पते की बात कह देता है कि बड़े बड़े गुरु भी मिट्टी चाट के कान पकड़ लें। अमर भैया, भगवान जाने ये लड़कियां मानो छोटी छोटी नदियां हैं, जब तक सागर से नहीं मिलती इनको एक पल चैन नहीं पड़ता। खाई, खंडक, पहाड़, जंगल सब कूदती फांदती काटती मचलती निकल जाती, कोई के रोके नहीं रुकती। और उधर सागर से मिली और इधर बस जानो शान। मोती मगर मैं ये तो कभी नहीं कर सकता कि बीना को अलग कर दूं। तो फिर मजबूरी क्यों? क्या कोई तरकीब ऐसी नहीं हो सकती कि बीना की शादी भी हो जाए और वो रहे भी मेरे घर में? तुम तो भैया घर जमाई चाहते हो, ये काम तो जरा मुश्किल है। घर जमाई पैसे वालों को मिलते हैं। अच्छा, बीना की शादी मैं तुम्हारे साथ क्यों ना कर दूं? मेरे साथ? भैया भैया, इससे अच्छा एक 50 जूते मुझे मान लो, मुदा ऐसा मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भगवान का सब। मगर भैया, यहां तो शाम की रोटी का भी ठीक नहीं रहता, लड़की तुम्हारे घर पर रहेगी और क्या। अरे जी जी जी, माफ करना भैया, पहली शर्त तो तुम्हारी यही थी। मैं भूला। कान खोल के सुन लो मोती, बीना हमेशा मेरे साथ रहेगी। निश्चय निश्चय। लेकिन भैया, बात को शिकायत न करना, मेरा व्यापार तो तुम जानते ही हो, सारा सहारा बस भगवान पर है। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो सब मैंने सोच लिया है। मार के आगे भूत भी भागता है। आए ठीक है ठीक है, भागता है भागता है। अरे बिटिया बिटिया, अरे जल्दी करो। ये क्या है? अरे जल्दी जल्दी जल्दी। क्या जल्दी करो? अरे जल्दी जल्दी करो। क्या जल्दी करो? अरे जल्दी इंतजाम करो। क्या इंतजाम करो? घर छोड़ रहे हो, सामान बांधो। अरे घर नहीं छोड़ रहा हूँ, घर बसाने का इंतजाम किया है। मेरी कसम। तेरी कसम? किसके साथ? ये अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन है तेरी पसंद की। तो बताते क्यों नहीं? पहले इंतजाम करो। तो इंतजाम क्या अपना सर करो? रुपया कहाँ? रुपया रुपया, भगवान चाहे तो रुपए का भी इंतजाम हो जाएगा। तुम एक तरकीब करो। क्या? देखो, तुम तो करो प्रार्थना और मेहनत करना मेरा काम। खबरदार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबूजी एक मिनट, एक मिनट बस। क्यों बाबूजी? बस एक बात सुन लीजिए। क्या बाबूजी? आपको इस संसार में किसी से प्रेम नहीं है। क्या मतलब बाबूजी? तुम अगर मुझे जेल कराओगे तो मेरी मुसीबत कट जाएगी,
सवेरे शाम रोटी का तो सहारा हो ही जाएगा, लेकिन मेरी एक बिंदियाई बहन है, मुझसे छोटी, उसका पूछने वाला कोई न रह जाएगा। या तो वो भूखों मर जाएगी, या कोई न कोई तरह अपना पेट भर ही लेगी। तुम जानो बाबूजी, इस संसार में मुझसे बहुत बड़े बड़े मूर्ख पड़े हैं, उस गरीब को पाप के गले में ढकेल देंगे। लेकिन बगैर चोरी किए तुम्हारा काम नहीं चलता, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? मेहनत मजदूरी अव्वल तो मिलती नहीं बाबूजी, और फिर चोरी में भी बड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन है बुरी चीज, महाबुरी, बस आपकी माफ करो। लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम फिर चोरी नहीं करोगे? बाबूजी, तुम्हारे चरणों की कसम, आज मैं घर से सोच के चला था कि अगर आज के बाद जो फिर कभी चोरी करूं तो भगवान मुझे मेरी कुसुम की लगन न दिखाए। मुझे रुपए की बहुत सख्त जरूरत थी बाबूजी। क्या जरूरत थी? अपनी बहन की लगन करना? नहीं बाबूजी, अपनी लगन करनी है। हैं? तो क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुम जैसे चोर और बदमाशों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए तैयार हैं? जरा मुझे नाम तो बताओ। अरे बाबूजी, नाम न पूछो, तुम उस आदमी को जानते हो। जानता हूँ। मुझे क्या मालूम था बाबूजी कि ये तुम्हारा घर है, मैं तो पहली नजर में तुम्हें पहचान गया था। तो फिर तो तुम्हें जरूर बताना होगा। अरे बाबूजी, तुम्हारे दोस्त अमर बाबू। क्या बीना के साथ? हाँ, अमर बाबू राजी हैं, उन्होंने खुद ही मुझसे कहा। बीना को मालूम है? जी नहीं। मैंने एक दफा तुम्हें उनके यहाँ देखा है। तुम्हारा नाम? मोती। मोती मोती, तो अब कान खोल कर सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पैसा भी मिल जाए, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे और तुम्हारी बहन पर भी कोई मुसीबत ना पड़े, तो फौरन इस शादी से इनकार कर दो, वरना। अरे बाबूजी, किसी का घर बसता है तो तुम काहे को बाधा लगाते हो? खामोश। मैं जानता हूँ तुम्हें बीना से मोहब्बत नहीं है और न उसे तुमसे। ये ठीक है बाबूजी, लेकिन लड़की बड़ी सुंदर है। मैं जानता हूँ। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? 500-600 में काम चल जाएगा बाबूजी। 600 रुपया तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन फौरन जाकर अमर बाबू से इनकार कर दो और तुम कहीं दूसरी जगह शादी का इंतजाम करो। लेकिन बाबूजी, अमर भैया से इस किस्से का जिक्र न करना। अच्छी बात है, जाओ। अच्छा बाबूजी, और देखो। हाँ बाबू। तुम्हारे मन में मैल नहीं आना चाहिए, ये ना समझना कि तुम बच गए हो। नहीं नहीं बाबूजी, क्या मजाल। नमस्ते। देखो। हाँ बाबूजी, तुम्हें एक और काम करना होगा। वो क्या? जिस वक्त अमर बाबू घर पर न हो, मुझे फौरन खबर करो। निश्चय निश्चय बाबूजी, वो तो अब फिर उसी मकान में आ गए हैं जिसमें पहले रहते थे। अच्छा, लेकिन बाबूजी, मैं जाऊं किधर से? मेरी छतरी और जूता वहां पड़ा हुआ है। आए किधर से थे? वो खिड़की में से बाबूजी। वहीं से जाओ। और बाबूजी, वो दरबान। अमर भैया, देख बुरा बताया था भी। माफ करना भैया, मैंने सवेरे सवेरे तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन इसका भी कारण है। अरे कुछ बताएगा भी भैया? बुरा ना मानना। कुछ कहेगा भी क्या? कुछ पागल हो गया? तुम बुरा मान रहे हो। कुछ बताएगा भी या नहीं? एक पागल जो कहो भैया, मगर बुरा ना मानना, मैं बीना से शादी नहीं कर सकता। क्या? बीना से शादी? भैया गुस्सा न करना, भगवान कसम, पहले सुन लो। मैंने रात को एक बड़ा भयानक सपना देखा है भैया, मैं तो तुम्हारी बीनाई की भलाई के लिए कह रहा हूँ, सुन लो। मैंने रात को सपना देखा कि एक बड़ा भयानक आदमी इतनी बड़ी छुरी लिए मेरे सामने खड़ा है और कहता है, मोती, खबरदार, जो तूने बीना से शादी की वो तेरे साथ खुश नहीं रह सकती। मैंने उसका संबंध एक दूसरे आदमी से किया है जिससे उसे प्रेम है, वो एक शरीफ आदमी है, पैसे वाला है, वो बीना को जन्म भर आराम से रख सकता है। इतना कहके वो छुरी लेके मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, खबरदार, बीना से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना मैं तुझको और बीना दोनों को मार डालूंगा। बस भैया, यहाँ पर मेरी आँख खुल गई, मारे डर के किक्की बन गई, मन में आया उसी वक्त तुमसे चल के कहूं, फिर सोचा सवेरे कहूंगा। तो भैया, अब तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं।
देखा तेरे सपनों का क्या भरोसा, सब झूठे होते हैं। ना ना भैया, मेरे सपने हमेशा सच्चे होते हैं। मैं शादी नहीं कर सकता। एक रात मैंने सपना देखा था कि कोई मुझे 4 रुपए 14.5 आने पैसे दे रहा है, दूसरे दिन इतने ही मिले। अच्छा भाई, यहां से भैया घर पर नहीं है। मगर मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ, तुम बीमार थी ना। भैया नाराज होंगे, आप चले जाइए, आप चले जाइए, वापस आप चले जाइए। मैं अभी चला जाऊंगा बीना, मुझे मालूम है तुम मुझसे खफा हो, लेकिन इसमें मेरी कोई खता नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भाई तुम्हें बीमारी की हालत में मेरे यहाँ से ले आए थे, सुबह ही मैं इस मकान पर आया था। यहाँ लोगों ने कहा कि मिस्टर अमर तो रात ही को मकान छोड़कर कहीं चले गए। तमाम शहर में तलाश किया लेकिन कुछ पता न चला। आखिर लाचार होकर बैठ रहा, कल ही मुझे फिर मालूम हुआ कि तुम इसी मकान में हो। मैं फौरन तुम्हें देखने आया। बीना, आखिरी बार मैंने तुम्हें बीमारी की हालत में देखा था, ईश्वर जानता है रात दिन तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता था। हर वक्त यही प्रार्थना किया करता था कि भगवान करे तुम अच्छी हो गई हो। बाबूजी, आप जाइए, मैं अब तक बीमार हूँ, जाइए जाइए, भगवान के लिए जाइए, आपने मुझे बीमार कर दिया। आपने मुझसे दुश्मनी की, आप पहले दिन मेरे यहाँ क्यों आए थे, आपने मुझे चीजें क्यों खरीदी थी, क्यों इसलिए क्यों मेरी आंखों के सामने हर वक्त फिरती रहे, मेरा खाना पीना छुड़ा दे, मुझे दुखी बना दे। बीना, क्या भगवान ने आपको इसीलिए अच्छा बनाया था कि बेचारी बीना को बीमार डाल दीजिए? गरीब बीना ने आपका क्या बिगाड़ा था, बोलिए बोलिए, नहीं बोलते। काश भगवान आपको बुरा बना था। चुप हो जाओ बीना, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ बीना, चुप हो जाओ बस। इसीलिए भैया आपसे नाराज है, और मैं कुछ नहीं कर सकती। भैया भैया मुझे मारो, अपने बीना को। मैंने उसका संबंध एक दूसरे आदमी से किया है, वो शरीफ आदमी है और पैसे वाला भी है, बीना को उससे प्रेम है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मिस्टर राजेंद्र, क्या तुम्हें भी बीना से प्रेम है? मेरे ख्याल में बीना एक बहुत नेक और अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, इसलिए कि तुम ले जाओ। हाँ, इसलिए कि तुम ले जाओ। मगर मैं कर ही क्या सकता हूं जब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब तो मेरी बीना बड़ी समझदार हो गई, कोई बच्चा थोड़ी रही, वो प्रेम भी करने लगी, क्यों ना करे। मिस्टर राजेंद्र शहर के बड़े भारी सेठ, पैसे वाले, शरीफ, नेक, और उनके पास दो मोटरें भी हैं।
गरीब अमर अपनी बीना के लिए मोटर कहां से लाए? क्यों है ना बीना? भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हें मेरे दुख से दुख भी नहीं होता? नहीं भैया, इसलिए कि अब तुझे भी मेरे दुख से दुख नहीं होता। बाबूजी आप यहां से हमेशा के लिए चले जाइए, चले जाइए, मुझे आपसे चले जाइए। मिस्टर अमर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझसे बहुत भूल हुई। लो, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। नहीं भैया, की खुशी सिर्फ इन चोरियों के मिट जाने से मिल सकती है। ले लो। मिस्टर राजेंद्र, मैं बीना की शादी आपके साथ करनी चाहता हूं। लेकिन मेरे ख्याल में बीना की मर्जी नहीं है, उन्हीं से पूछिए। नहीं नहीं बीना, रो नहीं, रो नहीं, मुझे माफ कर, मेरी गलती थी। चलो 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 चलो। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। बाबूजी अब तो आप बहुत खुश होंगे। देखो बाबूजी, हमें ना भूलना, कभी कभी बीना के हाथ की चाय हमें भी पिलवा दिया करना। ससुराल सकेरी आज चली ससुराल, आज चली ससुराल सकेरी आज चली ससुराल। साथ संग बचपन का छोड़ा, जन्म जन्म का नाता तोड़ा। साथ संग बचपन का छोड़ा, जन्म जन्म का नाता तोड़ा। रोए रहा है वीरन भाई, रोए रहा है वीरन भाई। नैन भय है लाल सकेरी आज चली ससुराल, आज चली ससुराल सकेरी आज चली ससुराल। नमस्ते महारानी जी। मैंने कहा नमस्ते महारानी जी। अरे जवाब तो दे दो। मालूम है नई दुल्हन बहुत शर्म करती है। अच्छा, मुझे भी आज कसम है जो तुम्हारे इन्हीं शर्मीले हाथों से घूंघट न उठवाया। खैर न बोलो। अरे अरे ये क्या खबरदार बिना, जो तुमने पांव छुए तो मैं पांव वाव हरगिज नहीं छूने दूंगा।
क्या तुम मुझे वही पुराने जमाने का सड़ा हुआ बुड्ढा समझती हो? है? आज भी आप मुझे रुलाएंगे? नहीं नहीं बीना, कहीं ईश्वर के लिए आज रोना धोना शुरू न कर देना, नहीं तो याद रखो ये दुमंजिला मकान है, इसी सामने वाली खिड़की पर से धम देसी नीचे फेंक दूंगा। हाँ फिर चाहे बात को मुझे भी क्यों ना कूदना पड़े। तो फिर मुझे? हाँ हाँ पैर छुओ, हजार दफा छुओ, ठहरो जूता तो उतार लेने दो, तुम्हें पांव छूना है जूता तो नहीं छूना। न जाने किस मोची ने बनाया, ईश्वर जाने कैपिटलिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, फैसिस्ट हो, नाजी हो, कौन हो। अरे मुंह भी लगा दिया। अच्छा चलो उठो मुंह धो लो। बीना ये वही बिंदी है जिसकी शीशी मैंने तुम्हें लाके दी थी। तुमने कहा था अपने दुल्हन को पहना देना, पी लीजिए। क्यों तकलीफ की तुमने? तकलीफ का है कि कल चलते वक्त बीना बहन कह गई थी, कुसुम मेरे भैया का ख्याल रखना। कह गई थी? और देखना कुसुम, जब तुम बीना की तरह किसी दूसरे के घर चली जाओगी तो तुम किससे कह के जाओगी कि मेरे भैया का ख्याल रखना? जी नहीं, मेरे भैया तो शादी करने को कहते हैं। हाँ तो वो फिर अच्छे रहेंगे। शायद आप रात भर सोए नहीं। हाँ नींद नहीं आई। बीना बीना तो अच्छी। हाँ हाँ भैया आओ भैया। ओ भैया आइए आइए आइए। अमर भैया अच्छा हुआ आप आ गए, ये आपको याद ही कर रही थी। भैया। मिस्टर राजेंद्र मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जानते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, बीना को कुछ दे सका नहीं, ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत जहेज मैंने जमा किया था वो मैं आज खुद लेकर आया हूँ। अमर भैया ये हमारी बदकिस्मती है कि आप हमारे साथ रहने पर राजी नहीं होते। मान लीजिए मैं गैर ही सही, लेकिन ये तो गैर नहीं हो सकती। जी नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं कर सकता। बीना तुम ही अपने भैया से कहो, मेरी तो ये बात मानते नहीं है। भैया नहीं नहीं बीना तू इस बात में जिंदा करना, तू बहुत अच्छी लड़की है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अब मैं जाता हूँ। थोड़ी देर तो ठहरिए मेरे भैया, जाओ जरा अपने भैया को अपने हाथ की चाय तो पिला दो। तुम्हें याद रहा। नमस्ते पिताजी। ओहो खुश रहो खुश रहो। एक दिन पहले कैसे चले आए? कुछ नहीं काम खत्म हो गया चला आया। कोई नई बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं। हाँ राजेन कल मैंने 9.5 फुट का शेर मारा है, 9.5 फुट का। पिताजी एक 4.5 फुट का शेर तो मैंने भी मार लिया। ओ है ये कौन? जरा आहिस्ता पिताजी आपकी बहू है। बहू है? जी हाँ। कैसी बहू? शादी कब की? जहेज कहाँ है? जायदाद कितनी? रुपया कितना मिला? जायदाद और रुपया तो पिताजी उतना ही है जितना माताजी लाई थी।
गरीब घर की है। जी हाँ। बीना, ओ बीना, किधर गई? ले ले, ये ले, इधर आना। नन्नी, चलो, रोटी खा लो, रोटी। नहीं खाती? मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या चीज है, बिल्कुल तेरी पसंद की, मगर दिखाऊंगा नहीं। पहले हंसने का वायदा करो, फिर दिखाऊंगा। चलो ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो। अच्छी लड़की इसलिए कि तुम ले जाओ। कितने दिन हुए बीना हो गए हुए? 4-5 महीने हुए। हाँ? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे 4-5 बरस गुजर गए। अच्छा लीजिए, दवा पी लीजिए। यहाँ बहुत गर्मी है, हम जा रहे हैं। ना जाइए, ना जाइए, हम जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, हम जा रहे हैं। वाह भैया, अरे वाह भैया, बहन की शादी कर दी और हमें खबर भी नहीं दी। अरे माफ करना पांडे जी, बिल्कुल भूल गया था, माफ करना। चलो अच्छा हुआ, शादी तो हो गई, मुबारक हो। मुबारक। देखो पांडे जी, तुम्हारी तो बहन है। हाँ भैया, एक है। शादी हो गई? नहीं। देखो पांडे जी, बहुत जल्द उसकी शादी कर दो, समझे? बड़ा आनंद आता है। हाँ बड़ा आनंद आता है। लाला, तुम्हारी कोई बहन है? हैं? हाँ भैया, मैं पूछता हूँ, तुम्हारी कोई बहन है? हाँ। जाओ उसकी शादी कर दो, समझे? जाओ जाओ, मैं कहता हूँ कि उसकी शादी कर दो, जाओ। श्यामू। हेलो बाबू, इस वक्त यहाँ कहाँ निकल आए? तेरी कोई बहन है? हाँ बाबूजी, एक है। शादी कर दी? बाबूजी, पैसे कहाँ से लाऊं जो शादी कर दूं, और 6-7 महीने से वो बेचारी बीमार ही बीमार रहती है। बीमार रहती है। श्यामू, एक बात बताऊं? देख, ये लड़कियां छोटी छोटी नदियों की तरह हैं, जब तक सागर से नहीं मिलती इनको शांति नहीं मिलती, करार नहीं पड़ता। हाँ करार नहीं पड़ता। बस जितना जल्द हो सके उसकी शादी कर दे, जा शादी कर। भगवान, संसार की ये उल्टी रीत है, लोग मुर्दे को मर जाने का आशीर्वाद देते हैं, क्या वो अंधे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि अमर मर चुका है, खत्म हो चुका है?
भगवान, मनुष्य के मन में प्रेम तो तुम ही डालते हो, फिर आखिर संसार में हर भाई के मन में अमर जाता प्रेम क्यों नहीं होता? ये तो कोई न्याय न हुआ। लेकिन तुम्हें इन बातों की क्या चिंता, तुम्हें तो बस लीला दिखाना है, दिखाओ। भगवान तुम जग के पालनहार हो हाँ, लेकिन बुरा ना मानना, मन के पालनहार नहीं हो। तुम अमर तो हो, लेकिन तुम्हारी बीना जैसी कोई बहन है। अरे राम राम भैया, आखिर काहे को अपनी जान के पीछे पड़े हो? रात भर दौड़ते दौड़ते टांगे टूट गई, शहर भर में ढूंढ डाला। चलो चलो घर चलो। घर पे क्या दरा है? अरे भैया दया करो, सीधे घर चलो, तुम्हें बुखार है। नहीं, मैं बीना को देखने जाऊंगा। अरे राम भैया जरा अपनी जान को तो देखो, ऐसी हालत में तुम कैसे चल सकोगे? नहीं, मैं बीना को देखने जाऊंगा। अरे भैया नहीं, मैं बीना को देखने जाऊंगा। अच्छा चलो चलो जाएंगे। बीना, वो दिन तुम्हें याद है जब हम और तुम पहले पहल मिले थे? हाँ। क्या हुआ था बीना? क्या हुआ? चलो, छोटी नदी सागर से मिल गई, बड़ा आनंद। आओ आओ, मुझे देख के उससे बड़ा सदमा होगा। आओ वापस चलो, वो बहुत खुश है। कुसुम बहन, भैया की ऐसी हालत और तुमने मुझे खबर भी ना की। मैं क्या करूं बहन, कहते थे खबरदार जो बीना को खबर की, आफत कर दूंगा, घर से चला जाऊंगा। और जब तुम आदमी भेजती थी तो कहला देते थे कह तुम अच्छे हैं। तो चुपके से ही कहला भेजा होता तो? इसलिए तो आज मुझे भैया को भेजा था। लो ये धो डाला। नहीं मैं दूंगी। भैया ने क्या भर रखा है?
भगवान, इस निर्दोष कन्या की रक्षा करने के लिए बहुत पाप किए, लेकिन अब बोझा नहीं उठता प्रभु। अब तो कोई उपाय करके ये दान पूरा करा दो। मैं तो पापी मूर्ख, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन कुसुम तो तुम्हारी दासी है, उसे कहीं अच्छी जगह ठिकाने से लगा दो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते भाई। भगवान की कृपा से कहो बाबूजी, अमर भैया की तबीयत अच्छी हो गई। उस दिन तो उनकी हालत देख के मैं घबरा गया था। हाँ भाई, घबराने की तो बात ही थी। और बाबूजी आपने भी बहुत दौड़ धूप की, और फिर आप जैसे धनवान आदमी का ऐसे मकान में 6-7 दिन रहना बहुत कमाल की बात। इसमें कमाल काहे का। खैर बाबूजी, ये तो आपकी भलमनसी है, लेकिन बाबूजी बुरा न मानना। आप भी जवान दे के भूल जाते हैं क्या? मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूँ। देखो बाबूजी, तुम्हारा काम तो बन गया, मगर रुपया जो। अरे 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 भाई, बिल्कुल भूल गया, जिस दिन जी चाहे ले लो। तो बाबूजी एक दूसरी तरह समझौता न कर लो। वो क्या? मैं रुपया नहीं मांगता। फिर देखो बाबूजी, तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया। हा? अब तुम इतना काम मेरा कर दो कि बीना से कह के कुसुम की शादी अमर भैया के साथ करा दो। बीना बिटिया कहना वो कभी नहीं डाल सकते। मोती भैया, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे खुद ख्याल है। लो लो बाबूजी, लो। तो बाबूजी अब तुम तकलीफ न करना, और रुपए रुपए की बात तो फिर देखा जाएगा। भैया तुमने मुझे बीमारी की खबर तो नहीं की। कहो जो उस वक्त मेरी कुसुम न होती तो क्या होता, मगर तुम एहसान थोड़ी ही मानोगे। वाह वाह, क्यों नहीं, मैं कुसुम का बड़ा एहसान मान लू। वाह, ऐसे खाली खुली मानने से क्या होता है, मानते हो तो फिर तुम खड़ी क्या सुन रही हो क्या? भैया बेऔरत का घर बहुत बुरा मालूम होता है, अब तुम शादी कर लो। नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। तो फिर क्या खाक एहसान उतारोगे? तो बस एहसान इसी तरह ही उतर सकता है। भैया तुम्हें नहीं मालूम, वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन मैं तो नहीं करता। शर्म नहीं आती भैया उसके एहसानों का तुम यही बदला दे रहे हो? तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं उसका दुश्मन हूँ। अच्छा दुश्मन हो या ना हो, मगर मेरी खुशी इसी में है कि तुम कुसुम से शादी कर लो। भैया देखो वो बेचारी गरीब है, उससे शादी करोगे तो भगवान तुम्हें बहुत देगा, और फिर मुझे भावच की बहुत जरूरत है। मगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें करना पड़ेगी, और जो तुमने जरा भी अगर मगर की तो समझो आज ही मैं तुमसे खफा। तो खफा होकर क्या कर लेगी? वही पुरानी तरकीब, फूक हड़ताल, और रोज आदमी के हाथ कैला भेजूंगी। आज 3 दिन हुए बिना ने खाना नहीं खाया, आज 4 दिन हुए बिना ने खाना नहीं खाया, कमजोरी बढ़ती जा रही है, इतना सा मुंह निकल आया है, पलंग से उठा नहीं जाता, डॉक्टर लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं 2-3 दिन खाना नहीं खाया। बस ना, बस 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 चुप रहे, बस चुप रहे। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। आता है कोई, आता है नया संदेश लाता है, आता है कोई, आता है नया।
ये क्या खा रही हो बीना? नींबू। सड़न हो गई हो? दांत नहीं खट्टे होते? बहुत अच्छा मालूम होता है। जरा जी गनीमत है तुमने मिट्टी कोयले नहीं खाए। कहाँ है मेरी बीना? आइए नहीं सखी है। आइए 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 ना इधर आइए आइए। सब लोग चुप क्यों हैं? कोई बात नहीं है, इधर आइए आइए। सब लोग चुप क्यों? क्या हो रहा है? क्या मालूम, पहला बच्चा है, भगवान खैर करे। कुछ जान का डर मालूम होता है। मुझे भी ऐसे मालूम होता है। हाँ कहा मेरी बीना कहा है? मैं उसे देखूंगा। कहा है मैं उसे? मैं अपनी बीना को देखूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बीना को देखूंगा, मैं अपनी बीना को दूंगा, मैं अपनी बीना को देखूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बीना को, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपनी बीना को देखूंगा, मैं अपनी बीना को देखूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। It's a boy. Ha! Santo, Santo! बीना यहीं ठहरो, यहीं ठहरो। ओ भगवान, लो बेटा लो 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 लो। हाँ